हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी नाहिद। मैं आपकी होस्ट नाहिद आज आपके लिए मोमोज चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही डिलीशियस और बनकर बहुत ही जायकेदार तैयार होती है। प्लीज आप भी इसे घर में कर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधा कप मूंगफली दाना एक पैन में डालकर हमें ड्राई रोस्ट करना है। 5 मिनट तक इसे धीमी आंच पर भूनना है। दूसरे पैन में 1/2 कप पानी डालकर 2 बड़े टमाटर काट कर डालने हैं। उसके साथ हमें सूखी लाल मिर्च 5 या 6 वो डालनी है। अगर आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 5-6 मिर्च डाली हूँ। मूंगफली के दानों को हमें बीच बीच में चलाते रहना है कि ये नीचे से सटे नहीं, जले नहीं। दूसरी तरफ टमाटर और मिर्च को एक बॉयल आने तक पकाना है कि उसका टमाटर का स्किन अच्छे से इजिली उतर जाए और हम उसे चटनी में यूज कर सके। अब मूंगफली दाने को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इस पे स्पॉट्स आ गए हैं, ये अच्छे से भून चुकी है। अब इसे हमें इसके छिलके उतार लेने हैं। दूसरी तरफ हमारी टमाटर भी पक गई है, ये देखिए बिल्कुल इजिली इसके स्किन उतरते जा रहे हैं। स्किन उतार कर इस सारे टमाटर को हमें ब्लेंडर में डालते जाना है। ये देखिए सारे टमाटर की स्किन उतर गई है। अब इसमें हम लाल मिर्च जो बॉयल हो चुकी है उसे भी डाल देंगे। अब हम लोग भुनी हुई मूंगफली डालेंगे। इसके छिलके हमने हटा दिए हैं। अब एक छोटा चम्मच नमक का या अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालिए। 1 छोटा चम्मच लहसुन पिसा हुआ, अगर नहीं है तो आप खड़े लहसुन भी छिले हुए डाल सकते हैं, 4-5 दाने। अब 1 बड़ा चम्मच पानी डालकर इन सबको हम लोग पीस लेंगे। ये देखिए पीसने के बाद ये हमारी डिलीशियस मोमोज चटनी रेडी है। इसे जरूर आप भी एक बार ट्राई करें, बहुत ही बनकर टेस्टी तैयार होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।